Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we shall discuss the 24th January Hindu ke editorials. चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्या? सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-कौन से आर्टिकल्स हमने आज पढ़ने हैं. Needless impatience. Now, needless impatience is one article जो कि आपको लॉ के पर्सपेक्टिव से थोड़ा लीगल एनालिसिस के तरीके से देखना पड़ेगा, because this is one article जहाँ पे article 21 right to life of and rather other fundamental rights of convicts versus victim ye ideology nikal ke aayegi. Unprecedented step is basically talking about kis tarike se jo hamara coronavirus outbreak hua hai usme ek step aisa liya gaya that ultimately use contain karne ke liye pure ke pure ek city ko ek region ko shutdown kiya gaya. In fact, abhi recent news hai, abhi jab main video bana raha hu uske sath hi ek news aa rahi hai that China has also thought of shutting down two more areas. Now, this talks about ki ye bahut hi unprecedented aisa administrative step liya gaya hai jo ki aaj tak iske bare mein koi you know pichla koi ek aisa example nahi hai. Secondly, wo us area mein us virus ko contain zarur kar sakta hai lekin ultimately वहां के लोग सेफ नहीं रहेंगे. सो दिस इज समथिंग दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज आर मेन्स इज कंसर्न्ड. व्हाट वी नीड इज वी नीड टू नो दैट कोरोना वायरस क्या है, ये प्रीलिम्स से रिलेटेड सवाल बनता है. सेकेंडली, व्हाट वी नीड टू नो इज WHO's स्ट्रेटजी इन कर्बिंग एंड इन कंट्रोलिंग एपिडेमिक्स लाइक कोरोना वायरस. मूविंग ऑन, बजटिंग फॉर जॉब्स स्किलिंग एंड इकोनॉमिक रिवाइवल. Now, this is a very important article. ये article, ये editorial हमारे mains के perspective से, particularly essays के perspective से बहुत important है. इसी का ही एक छोटा भाई article है, Will the budget suspend FRBM's fiscal deficit goals? Now, both of these editorials, both of these articles are correlated. इन्हें हम अलग-अलग हमें नहीं देखना चाहिए. इनका analysis अच्छे से देखेंगे. Next is, as India prepares to honor Bolsonaro. Now, Jair Bolsonaro, जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, वो इंडिया में आ रहे हैं 26 जनवरी की परेड में. वो he will be the chief guest of honor होंगे. Now, ब्राजील के इंडिया के साथ क्या relations हैं and why was it that India invited Brazil in 26 जनवरी परेड? This is something that we need to understand. And ultimately, इंडिया का ब्रिक्स नेशंस में क्या रैंकिंग है, किस तरीके से उसकी प्रेजेंस है, that is to be understood. जो ये बात कर रहा है एडिटोरियल, दिस इज अ बिट मोर पॉलिटिकल, अ बिट मोर यू नो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहा है, विच इज नॉट इन द फ्रेमवर्क ऑफ योर एग्जाम्स. चाहे वो मेंस की बात करें, चाहे हम इंटरव्यूज की बात करें, तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारा एग्जाम होगा. लास्टली, विल द बजट सस्पेंड FRBM's फिस्कल डेफिसिट गोल्स. नाउ दिस इज वन आर्टिकल एज आई टोल्ड यू जो कि इस आर्टिकल के साथ इंटरकनेक्टेड है. And lastly, the origin of the constitution. Now, with regard to this editorial, I have a surprise for you. The surprise is, main zyada intezar nahi karwaunga, abhi bata raha hu, that we will be coming up with a series jisme hum historical underpinnings of Indian constitution ka pure ke pure topic ka analysis karke aapko aapke samne rakhenge. Agar aap wo videos dekhte hain, to I assure you, this is my humble promise, कि उस वीडियो से बाहर, उस कंटेंट से बाहर आपको प्रीलिम्स में, मेंस में कभी भी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और चीज, कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट क्योंकि मैंने उसमें सारे सोर्सेज कवर करके आई एम ब्रिंगिंग दैट सीरीज टू यू. हमारे ही चैनल पे आपको वो सीरीज मिलेगी. मेक श्योर यू ट्यून इन एंड वॉच दोज वीडियोज. एंड लास्टली, हमारा वो सेशन जहां पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि मेंस के एस्पेक्ट से रेलिवेंट है. चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडिटोरियल से. नीडलेस इंपेशेंस, लेटिंग द डेथ रो इनमेट्स टू एग्जॉस्ट ऑल देयर रेमेडीज. इसके ऊपर एक स्टेटमेंट एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की भी आई थी एंड इनफैक्ट एक टसल हो गया था विक्टिम की मदर का अपने कॉन्विक्ट की मदर के साथ. Ministry of Home Affairs has sought additional guidelines from the Honorable Supreme Court with regard to execution of condemned prisoners, particularly ऐसे cases जो कि rarest of rare cases होते हैं, उसमें Supreme Court से ये guidelines मांगी हैं Ministry of Home Affairs ने, Central Government ने, कि किसी तरीके से Supreme Court ऐसे
रूल्स लागू कर दे जिससे जल्द से जल्द जो ये रेमेडीज हैं वो डाई आउट हो जाएं, वो बर्न आउट हो जाएं, ताकि एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द हो सके ऐसे केसेस में. नाउ विच इज नाउ दिस दीज गाइडलाइंस शुड बी एम्ड एट रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ डेथ रो कॉन्विक्ट्स टू अडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिक्स, जिससे वो ये चाहें कि हम अपना प्रोसेस, हमारा जो डेट ऑफ डेथ है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसे हम डिले कर दें किसी तरीके से लीगल लकूनास को यूज करके. अल्टीमेटली अपना जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है उससे हम एस्केप आउट हो सके. अक्यूज्ड सेंट्रिक गाइडलाइंस वर लेड डाउन इन शत्रुघ्न चौहान केस ऑफ 2014. मेरे जुडिशरी की तैयारी करने वाले भाई बंधु लोग, उनके लिए केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो गाइडलाइंस क्या थी? These guidelines are important as far as their interview is concerned. For UPSC aspirants, it is very important to understand कि किस तरीके से हम criminology के ऊपर ज़्यादा focus कर रहे हैं. I'll be talking about it in a slide or two. हम अभी आगे इससे related analysis देखेंगे. But first, हमें ये समझना होगा that what is happening. ज़्यादातर cases में, rather in fact सभी cases में, what we want is that the rights which are given in the constitution, these rights are extended up to the moment of the execution of these convicts. Jitne bhi convicts hain, wo jab tak unki execution nahi hoti hai, tab tak unke paas wo sare ke sare fundamental rights, wo sare ke sare legal and constitutional rights exist karte hain, and they have a right to work on those aspects. The right of convicts' family members to be informed as well as for settling other affairs along with preparing themselves mentally. Execution से पहले family members को ये information देना. Secondly, वो जो छोटे मोटे affairs होते हैं, for example, अगर will करनी है, अगर किसी को बताना है, वगैरह वगैरह. And खुद को mentally prepare करना that yes, I have to go through this execution process. इसके लिए एक time frame दिया जाता है. Generally, ये time frame काफी एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने के आसपास का रहता है जनरली. नाउ मूविंग ऑन, गवर्नमेंट चाहती क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे रूल्स फ्रेम करे जिसमें ये बोला जाए कि 7 दिन की लिमिट रहे अगर आपने मर्सी पिटीशन फाइल करनी है, जैसे ही डेथ वारंट इशू होता है तब. सेकेंडली, कोर्ट्स, गवर्नमेंट्स एंड प्रिजन्स शुड ऑल बी मैंडेटेड, उनके ऊपर ये लाजमी हो जाना चाहिए, जरूरी हो जाना चाहिए, टू इश्यू डेथ वारंट्स विद इन 7 days ऑफ रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन. अगर कोई भी कॉन्विक्ट मर्सी पिटीशन फाइल करता है तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, कोर्ट्स, गवर्नमेंट्स एंड प्रिजन्स, सबको मैंडेट किया जाना चाहिए कि वो 7 दिन के अंदर अंदर इस रिजेक्शन के ऊपर डेथ वारंट जो है इशू कर दें. टू कैरी आउट अ सेंटेंस विद इन 7 days देयर टू, एंड जैसे ही ये डेथ वारंट साइन होता है, इशू होता है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर ये सेंटेंस कैरी आउट हो जाना चाहिए. सो दिस इज समथिंग विच द गवर्नमेंट हैज सॉट. नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स विच हैव बीन मेड बाय दिस एडिटोरियल, एंड हम इसको एक एक करके इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे. मेक श्योर कि आप इस क्रिटिकली एनालाइज वर्ड को समझें. क्रिटिकली एनालाइज अभी हम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे किया जाता है. ऑल दिस causes delay in carrying out sentence is a bit misconceived. Now, ये editorial ये कह रहा है कि it is a bit misconceived कि हम जब भी ये process को carry out करते हैं तो this causes delay in carrying out sentences, which is a bit misconceived as well. कारण ये है कि हम ये देख रहे हैं कि law में क्या provisions हैं, क्या rights हैं, victim के और victim की family के rights को यहाँ पे undermine किया जाता है. I'll talk about it in the next slide as well. Nothing prevents the government to introduce rules in this regard. Now, government agar is maamle mein rules banati hai, to wo arbitrary ho sakte hain ya wo kisi tarike se, you know, constitutional rights, fundamental rights ko violative ho sakte hain. Aise mein, government was right in thinking ke it is better ke Supreme Court khud is maamle mein guidelines issue kare. Now, this is something this editorial is arguing about. Secondly, absence of time limit in filing curative petition no doubt gives the scope to the convicts ki sab ek ek karke file karte hain apni apni curative petitions, mercy petitions, to usse delay zarur hota hai, lekin fir bhi jab ek bar mercy petition file ho jati hai to kuch dino ki baat hoti hai, ya to wo accept hoti hai ya wo reject hoti hai,
वो प्रोसेस में चल पड़ती है. As death penalty is limited to the rarest of rare cases, nothing is lost, this editorial says, that nothing is lost if the convicts are allowed to exhaust all possible legal remedies. Now, this is true to certain extent, but I would not agree to it entirely because this is my humble opinion. Ye jo do shabd hai, my two cents in this issue. Sabse pehli cheez, Indian laws bane kab the? When were they written? They were written keeping in focus the accused rather than the victim. Ye us time ki baat hai, ye us daur ki baat hai, jab victimology zyada important thi, criminology zyada important thi as far as when compared to victimology. Secondly, ye laws banaye kisne hai? Ye us time ke bane hue hai. For example, IPC ki agar baat ki jaye, to 1860 mein jab Macaulay sahab bahut important role play karte the, particularly after 1833 ka Charter Act. So when these laws were made, us time pe, it was very important to understand the situation in the country. Aise mein us samay, kyunki there was a gap, there was a deficit between, deficit of understanding between the state, jo ki Britishers the, and the common public, jo ki Indians the. So is wajah se, and moreover, because Britishers were more concerned about the safety and security of their own interests, so they were least bothered about the law and order situation that was going on around in the country. So, isi wajah se, if you remember, 1773 ke regulating act mein, there was a provision jisme mofussil towns, aise towns jo aapke presidency towns major, jaise Bombay, Madras towns ke aaspaas ke jo chote ilake hote the, wo chote towns, wahan pe law and order situation zamindaron ko de rakhi thi. Zamindar wahan pe law and order situations ko handle karte the. That means Britishers were least bothered about law and order situations. They were least bothered about how the law in the country was being carried out. Next, purpose of the law in the society. Law humse hai, hum law se nahi. Ye baat samajhna bahut zaruri hai, that Indian society is the society or is the foundation from which all of these laws should emanate. Now, agar hum baat karein Indian laws ki, to aaj ki date mein jo IPC hai ya jis tarike se POXO Act hai ya jis tarike se Domestic Violence Act hai, all of these acts, although they provide very good provisions as far as crime related to women is concerned, lekin ek cheez hume samajhni padegi ki us shakhs ki mental situation kya rehti hai ya us shakhs ki social बैकग्राउंड क्या रहती है, क्या उस शख्स का एनवायरनमेंट क्या रहता है जो ऐसे क्राइम्स करता है, चाहे वो छोटे से छोटा क्राइम हो जैसे स्टॉकिंग है या किसी तरीके का भी एब्सर्ड बिहेवियर है, एंड अल्टीमेटली क्राइम्स लाइक रेप, क्राइम्स लाइक मर्डर आउट ऑफ पैशन, किसी भी लेवल का क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, उसमें हमें एक चीज समझनी होगी दैट अल्टीमेटली इट इज द सोसाइटी और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल ऑफ द सराउंडिंग्स दैट that individual has when he is growing up or when he is being, you know, fed with wisdom, uske family mein uske parents kis tarike se women ke sath behave karte hain ya kis tarike ki chhoot di jati hai, whether or not that person has a female sibling or not, whether or not use achhi education di jati hai ya nahi, sex education ko sahi tarike se padhaya jata hai ya nahi. For example, most of us know that chapter 8 of class 10th is generally skipped in most of the schools. Now, in that sense, हमें ये समझना होगा कि this is the kind of society that we live in, and ultimately law का purpose ये है कि वो इस society की needs को cater करे. So that is why what we need to do is bring about changes in procedural as well as substantive laws, ताकि हम इस society को इस तरीके से mend कर सकें जहाँ पे हम egalitarianism ला सकें male और फीमेल पॉपुलेशन के बीच में. तो जो वो फिजिकल डिफरेंसेस हैं, जो डिस्टिंक्शंस हैं, उसे डिस्क्रिमिनेशन तक नहीं लेके जाना चाहिए. सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉ किस तरीके से इवॉल्व होना चाहिए इंडियन सोसाइटी में, दैट इज समथिंग वी नीड टू वर्क अपॉन. एंड आई एम प्रीटी श्योर इस बार मेन्स में इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एथिक्स में या GS2 में सवाल जरूर रहेगा. बी प्रिपेयर्ड. And secondly, rather thirdly, rarest of rare case doctrine. ये बहुत ही objective किस्म की doctrine है, because this is
left to the imagination of judges कि कौन सा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा, कौन सा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में इसके ऊपर गाइडलाइंस इशू की हैं, लेकिन फिर भी दिस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस डॉक्ट्रिन शुड बी रीथॉट अबाउट। एंड लास्टली अ नीड फॉर RRR 2.0, ये राजकुमार राव नहीं है, ये राजा राम मोहन रॉय 2.0 है। राजा राम मोहन रॉय ने 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी के दौरान जो रिफॉर्म्स इंडियन सोसाइटी में लाके दिए थे विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश सोशलिस्ट्स, नाउ उसी तरीके के कुछ रिफॉर्म्स इंडियन सोसाइटी में आज लाने बहुत जरूरी हो गए हैं। सो दिस इज समथिंग यू शुड इंक्लूड इन योर आंसर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट एडिटोरियल की, बजटिंग फॉर जॉब्स स्किलिंग एंड इकोनॉमिक रिवाइवल। इसको नोट कर लेना प्लीज, ये एसेज एंड मेंस में आंसर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप यूज कर सकते हैं जहां पे भी आप सॉल्यूशन या आज के चैलेंजेस की बात करते हैं। नाउ अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो वो पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है, 6.1% है। अगर हम 2017-18 का डेटा देखते हैं, 2017-18 में 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा। अगर बात करें अर्बन यूथ की तो अर्बन यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.5% रहा है। तो इसी वजह से आप नोटिस करते हैं कि ज्यादातर आज के अर्बन यूथ की अगर बात करें तो वो टिकटॉक की वीडियो ज्यादा बना रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर ये पूरी दुनिया में बात की जाए, पर्टिकुलरली यूएस की बात की जाए, तो यूथ जो है दे डू वॉन्ट टू बिकम यूट्यूब सेंसेशंस, टिकटॉक सेंसेशंस रादर देन बिकमिंग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी, मतलब लो वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं जिससे वहां पे हालांकि दे आर एम्प्लॉयड बट स्टिल वो पॉवर्टी की डोमेन में आ रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड एंड ऑनगोइंग स्लो डाउन, तो पूरी दुनिया में जिस तरीके से स्लो डाउन हो रहा है उसी तरीके से कह लीजिए कि जो इंडिया का स्लो डाउन है, इट इज अफेक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट्स इन द कंट्री। एंड अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों की एवरेज निकाली गई, 15 सालों की एवरेज निकाली गई, तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट जो थी वो 35% ऑफ जीडीपी थी, लेकिन पिछले एक दो सालों में ये गिरकर 30% तक आ गई है। नाउ दिस सीम्स लाइक नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, लेकिन 30% ऑफ जीडीपी की बात हो रही है तो ये लाख करोड़ में जाके एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट का डिप चला जाता है। लास्टली प्राइवेट सेक्टर की अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात हो, दैट इज अराउंड 70-75%। मतलब अगर 100 यूनिट कोई फैक्ट्री बनाती है तो आज सिर्फ वो 70-75 यूनिट बना रही है, वो 25-30% के आसपास अंडर यूटिलाइजेशन कर रही है अपने रिसोर्सेज का। दिस इज समथिंग ऑफ अ अलार्मिंग सिचुएशन। अब समझते हैं कि एक्चुअल मामला क्या है, सिचुएशन क्या है। फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स की बात करें तो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर इनकम, जिससे हम ये कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी तरीके से इन लोगों की इनकम बढ़ा दें तो ले दे के रूरल डिमांड एंड अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री कैन इंक्रीज, कैन बी अफेक्टेड पॉजिटिवली। सो सरकार ने इसी तरफ दो कदम जो उठाए थे वो ये था कि एक पीएम किसान स्कीम लॉन्च की गई, सेकेंडली मनरेगा स्कीम को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ लिंक किया गया एंड उसे बोल्स्टर किया गया। नाउ दीज वर सर्टन पॉजिटिव स्टेप्स, लेकिन आज इस स्कीम्स में क्या हो रहा है, दीज स्कीम्स आर अंडर यूटिलाइज्ड। अल्टीमेटली इनमें जो पैसा है वो वापस रिवर्ट बैक हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको दो या तीन दिन पहले के एक हिंदू एनालिसिस में ये बोला था दैट इंडिया इज बीइंग सफर्ड, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द थर्ड डेफिसिट व्हिच इज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म, द थर्ड डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप एसेज में लिखते हैं, अपने आंसर्स में लिखते हैं, थोड़ा इंप्रेसिव हो जाता है। नीड टू टैकल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कैसे करना है, सबसे पहले इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को थोड़ा पुश दीजिए। इसमें आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड मोर ओवर फार्म का मंडी के साथ इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, फार्म के साथ मंडी को लिंक करना। इसमें गवर्नमेंट ने 2014-2015 में कुछ इनिशिएटिव लिए थे, फॉर एग्जांपल ई-नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, वो अभी पूरे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है बिकॉज वी लैक
इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, एंड सेकेंडली हमारे यहाँ जो मंडी में जो आढ़तियों की लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड थर्डली जहां पे नीति आयोग ने मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने के लिए बोला भी, एक्ट बनाया भी, कुछ ही स्टेट्स हैं जिन्होंने उसे इंप्लीमेंट करना शुरू किया है. दिस इज समथिंग विच इज मेकिंग द फार्म सेक्टर सफर. अर्बन एम्प्लॉयमेंट की अगर अलग से बात करें तो उसके ऊपर अलग से काम करना पड़ेगा, एंड पर्टिकुलरली बात करनी पड़ेगी, हमें पुश करना पड़ेगा, स्पेंडिंग करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन और एलाइड एक्टिविटीज में, क्योंकि उससे क्या होता है अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन में सीमेंट एंड स्टील सबसे ज्यादा यूज होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द टू मेजर कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. नाउ अब दिक्कतें कहां आ रही हैं? दिक्कतें आ रही हैं मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, दे आर स्टक ड्यू टू लीगल डिस्प्यूट्स. ये डिस्प्यूट्स अराइज क्यों हो रहे हैं? वन ऑफ द रीजन इज कि एक डुप्लिसिटी ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो रही है. रेरा की भी ज्यूरिसडिक्शन है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन है, कंज्यूमर फोरा की भी ज्यूरिसडिक्शन है. नाउ यहां पे गलती से स्पेस आ गया, सॉरी. नाउ व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें ये बोला गया था कि 102 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जिसके सिर पे इंडिया $5 trillion यूएस इकोनॉमी, यूएस डॉलर्स इकोनॉमी तक पहुंचेगा. तो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन. लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस क्या हैं वो समझने होंगे. नंबर वन, मोर देन 60% मनी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर खुद इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं रहा है. मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स बढ़ रही हैं, हाउसहोल्ड सेक्टर की सेविंग्स कम हो रही है. दैट मींस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज उसका हाजमा इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो ऐसे रिस्की और हर्डल रिडन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स करे. सेकेंडली, गवर्नमेंट जो है वो उसकी स्पेंडिंग कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन कम हो रही है. जितना भी कहते हैं, मान लीजिए 1 लाख करोड़ की हम जीएसटी कलेक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली 95,000-96,000 crores तक हम सीमित हो जाते हैं. दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है. अगर एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो वो भी डिस्ट्रेस्ड है. क्यों? क्योंकि जीएसटी रेट्स हाई है इन इनपुट गुड्स एंड लो है फॉर फाइनल गुड्स. तो ऐसे में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इनिशियल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको रुकना पड़ता है ताकि सरकार अल्टीमेटली साल के एंड में जाके उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी दे. और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सरकार की, अगर इसको वैल्यू की बात करें तो ये 20,000 करोड़ के आसपास तक रहता है. तो 20,000 करोड़ रुपए सरकार के पास फंसे रहते हैं एमएसएमई सेक्टर के, एंड वो वापस आते हैं साल के बाद. दैट इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड वर्क अपॉन. किसी तरीके से जीएसटी को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि जहां पे फाइनल गुड्स हैं they should be taxed more as compared to input goods. Next, 22 lakh vacancies हैं government sector में. आप जैसे, हम जैसे बहुत सारे लोग government sector में enter करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा सोचा जा रहा था in 2014 that government sector jobs will increase. अब हो क्या रहा है ना, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर सरकार ये 22 लाख वैकेंसीज निकालती भी है तो सब के सब जुडिशरी और सिविल सर्विसेज में नहीं आएंगी, वो थोड़ी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में भी जाएंगे, एंड इनफैक्ट पीएसयूज में भी काफी जॉब्स क्रिएट होंगी, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की वगैरह वगैरह, स्पेशलिस्ट की, जियोलॉजिस्ट की, बहुत अलग अलग रैंक पे गवर्नमेंट काम करती है. तो हमें, वी शुड वरी अबाउट द फैक्ट दैट दीज गवर्नमेंट सेक्टर वैकेंसीज आर नॉट बीइंग फिल्ड. 22 लाख जॉब्स बहुत ज्यादा होते हैं. फॉर गुड जॉब्स इट इज परसीव्ड के अच्छी कॉलेज की डिग्री चाहिए या यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए. ये बहुत ही गलत परसेप्शन है. ये एडिटोरियल भी बात ये कहता है, एंड आप और हम इस बात से सहमत भी होंगे. व्हाट वी नीड इज गुड क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग रादर देन अ गुड डिग्री. वो वोकेशनल ट्रेनिंग, वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आज इंडिया में ठंडे पड़े हुए हैं. स्किल इंडिया मिशन अभी बैक बर्नर पे रखा हुआ. Now this is something we need to understand. हम इसे और डिटेल में देखेंगे in our next editorial जो कि बात करता है FRBM से related. But उससे पहले let's talk about as India prepares to honor Bolsonaro. Now इसमें सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे
बाकी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अगर ब्रिक्स नेशंस की बात करें तो ब्रिक्स नेशंस कलेक्टिवली अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी। चाइना सेकंड नंबर पे है, इंडिया 7वें नंबर पे, ब्राजील 9वें नंबर पे, रशिया 11th, साउथ अफ्रीका 35th। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पिछले साल 4.5% से ग्रो किया है, चाइना 6% से ग्रो किया है, लेकिन रशिया की बात करो तो वो सिर्फ 1.7% था, ब्राजील और कम 1.2, एंड साउथ अफ्रीका के हाल थोड़े से खराब है 0.1%। इनफैक्ट रशिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका तीनों के ही हाल खराब है। ऐसे में दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट idioms इन हिंदी, अंधों में काना राजा वाली सिचुएशन हो रही है फॉर इंडिया इन पर्टिकुलर। अगर हम कहते हैं कि हालांकि इंडिया इज इन अ ब्राइट स्पॉट, बट वो ब्राइट स्पॉट कैसे है, बिकॉज ऑल ऑफ दोज कंट्रीज आर नॉट ग्रोइंग विद अ वेरी गुड पेस। ब्राजील की अगर बात करें, कारण क्या है कि ब्राजील के प्रेसिडेंट को बुलाया गया है, इट इज बिकॉज ब्राजील इज वन ऑफ द मेजर नॉन नेटो एलाय ऑफ द यूएस। यूएस में ब्राजील पर्टिकुलरली येयर बोल्सोनारो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, हालांकि उसकी डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग्स ज्यादा नहीं है, 30% के आसपास है, लेकिन फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है बिकॉज अल्टीमेटली उसकी यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे अच्छी डिमांड है। अगर बोल्सोनारो का स्टैंड हमें समझना है तो ये आखिरी लाइन इसमें सब कुछ क्लियर कर देती है, दैट ही हैज बिलिटल्ड क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट्स जैसे कि लियोनार्डो डिकैप्रियो, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग। नाउ अब वो इंडिविजुअली कितने अच्छे एक्टिविस्ट्स हैं, दैट इज समथिंग एल्स, बट अल्टीमेटली अगर हम ट्रंप के साथ बोल्सोनारो को लिंक करते हैं, दैट मींस वो पेरिस क्लाइमेट डील के खिलाफ हैं। एंड अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इंडिया के पर्सपेक्टिव से इन सब चीजों को अगर देखें तो व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू इज क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ इटसेल्फ विद द यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर वन। सेकेंडली व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू इज क्रिएट, हालांकि अगर बात करें इंडिया और ब्राजील के ट्रेड की, इट इज अ मियर $8 billion ट्रेड, तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि इस ट्रेड को थोड़ा सा बढ़ा सके एंड इंडिया अपने प्रोडक्ट्स थोड़े एक्सपोर्ट वहां पे ब्राजील में बढ़ा सके। सो दिस इज द एंटायर सिचुएशन। हमने ब्राजील से रिलेटेड हेल्थ सेक्टर के बारे में बात की थी इन आवर प्रीवियस एडिटोरियल एनालिसिस, मेक श्योर कि आप उसे देखते हैं। एंड सेकेंडली व्हाट वी आर डूइंग अर्थोनॉमिक सीरीज में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को टैकल कर रहे हैं, मेक श्योर आप उन सीरीज को भी देखें। प्लेसेस एंड न्यूज की अगर बात करें, हमें बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, मेक श्योर आप उस सीरीज को भी फॉलो करें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, लेट्स टॉक अबाउट विल द बजट सस्पेंड द एफआरबीएम्स फिस्कल डेफिसिट गोल। नाउ In this editorial, we need to understand कि fiscal prudence versus spending obligations of the government किस तरीके से काम करती है, and इसमें कुछ data है, उस analysis को आप उस data को use कर सकते हो अपने answers में, make sure आप उस data को, उस analysis को note down कर ले, and ultimately the way forward किस तरीके से इंडिया की economy को आगे चलना चाहिए। I told you कि इस editorial को हमारे पहले rather second editorial analysis के साथ जरूर mix करके, intermingle करके देखिएगा। अगर रीसेंट हैपनिंग्स की बात की जाए तो 2018 का जो फाइनेंस एक्ट था, फाइनेंस एक्ट वो होता है जहां पे बजट पास होता है, उसे फाइनेंस एक्ट कहते हैं। बजट टेबल होता है, अल्टीमेटली एक अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होता है जिससे आप पैसा निकालते हैं, वो कुछ पैसा उसे यूज करा जाता है जब तक फाइनेंस एक्ट पास होता है, एंड अल्टीमेटली फाइनेंस एक्ट पास होता है तो सारी की सारी बजटरी प्रोविजंस उनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल जाता है। नाउ 2018 का जो बजट था, 2018 का जो फाइनेंस एक्ट था, that had done away with the need to fix or rather reduce revenue deficit target to 0%. Revenue deficit ko 0% tak lane ka jo target tha, wo 2018 ke finance act ne khatam kar diya. Now this was one provision jo ki FRBM act mein exist karti thi, fiscal responsibility and budgetary management act. FRBM act is very important for the government kyunki ye government ke upar एक ऑब्लिगेशन लगा देता है दैट आप रेवेन्यू डेफिसिट को 0% लेके आएंगे, आप किस तरीके से फिस्कल प्रूडेंस रखेंगे, आप खर्चा कितना करेंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कितनी होनी चाहिए, एंड अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए। तो ये टारगेट जो था वो 2017-18 में ये बोला गया था कि इसे 3% तक रिड्यूस करना है,
although हम उस target के पास हैं, we are at 3.3%, लेकिन वो 3.3% भी जो है 2019-20 में जाके हुआ है. So we need to understand that. Next, bringing down the fiscal deficit to 3%, जैसा कि मैंने अभी बोला, which will also help you reduce public debt to GDP ratio. Because अगर 3% से ऊपर या 4% से ऊपर fiscal deficit होता है, that means आपका खर्चा आपकी आमदनी से ज्यादा हो रहा है. तो उस खर्चे को अगर आपने पूरा करना है, तो आप debt लेंगे, आप borrowings करेंगे. तो वो borrowings भी कम होंगी जैसे-जैसे आप fiscal deficit को कम करेंगे. अगर पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो एफआरबीएम कहता है कि उसे 40% पर सेंट्रल लेवल पे लेके आना है. लेकिन इसमें एक लकुना है, वो लकुना ये है दैट यू नो पास्ट फ्यू इयर्स 2017-18 में इन पर्टिकुलर, जब 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो लागू हो चुकी थी उस समय, एंड इन पर्टिकुलर ये 15th फाइनेंस कमीशन से भी रिलेटेड है, द फैक्ट के States are now allowed to go on about and find external commercial borrowings for themselves. ऐसे में state का debt to GDP ratio 2019 में जो है बढ़ा है and center का debt to GDP ratio कम हुआ है. This is an alarming situation. हालांकि हम cooperative and competitive federalism की बात करते हैं, but हमें ये समझना होगा कि क्या states के पास वो prudence है कि जिसके ऊपर वो अल्टीमेटली अपनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकते हैं. नाउ ऑल्दो फिस्कल डेफिसिट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 3.3%, रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. जो रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब कितना एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट होता है, वो इंक्रीज हो रहा है. गवर्नमेंट कितना एक्सपेक्ट करती है एंड उसके बेसिस पे जो खर्चा करती है, एंड कितना एक्चुअली में आ रहा है पैसा, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग. ये डेफिसिट, ये कमी, ये नेगेटिव aspect increase हो रहा है. The act itself, FRBM act itself, gives a little leeway to the government of overshooting by 0.5% in times of rapid fall in GDP. Now, ये सवाल बहुत बार उठता है, and in fact, बहुत सारे economists ये बात बोलते रहते हैं, that ultimately what we need is fiscal prudence, rather what we need is growth, ना कि fiscal deficit को कम करना. फिस्कल डेफिसिट खुद ब खुद कम हो जाएगा जब हमारा खुद हमारी कंट्री में रेवेन्यू अच्छा जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जब प्राइवेट सेक्टर जो है सस्टेनेबल हो जाएगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करनी हो पॉसिबल हो जाएगी. बट टिल देन व्हाट वी नीड इज टू फोकस मोर ऑन ग्रोथ रादर देन ऑन फिस्कल डेफिसिट. ब्रिंगिंग डाउन रेवेन्यू डेफिसिट टू 0% अलॉन्ग विद बोरोइंग फॉर पर्पजेस अदर देन कंजम्पशन, दिस शुड हैपन. रेवेन्यू डेफिसिट कम होना चाहिए, जितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है उतना आना चाहिए. सेकेंडली, जो रेवेन्यू आता है उसे कंजम्पशन पर्पसेस के बजाय कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका होना चाहिए. नाउ दिस इज अ वेरी जनरल टर्म, इसके ऊपर हमारे अर्थोनॉमिक्स के में फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड हमने इसके बारे में बात की है. नीड टू चेक द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेट टेकन टू फाइनेंस द डेफिसिट. क्या सरकार के पास इतनी हिम्मत है भी कि अगले 5 साल या 10 साल बाद जब ये लोन मैच्योर होगा, जब इसमें मैच्योरिटी पीरियड आएगा, तो क्या वो उसे रीपे कर सकती है? दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोन को रीफाइनेंस के बाद रीफाइनेंस करते जा रहे हैं. सरकारों के ऊपर सारफेसी एक्ट नहीं लगता है. नाउ नीड टू वरी अबाउट इंडियाज क्रेडिट रेटिंग्स एज वेल. अगर मूडी की बात करें तो अभी रिसेंटली मूडी ने 2019-20 के लिए जो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग है उसे थोड़ा सा डाउनग्रेड भी किया है, BAA2 कैटेगरी में इंडिया को रखा है. दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वरी अबाउट. व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज ग्रोथ रादर देन डेफिसिट, जो कि मैंने अभी आपको बताया. हायर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नीडेड एज ऑफ नाउ. गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट से अपनी सोच हटा के ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. जो कारण है वो भी हम डिस्कस करेंगे. बैंक क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है, बैंक में क्रेडिट जो है वो फॉल हो रहा है. Secondly, NPAs ऊपर over and above जो है वो बढ़ रहे हैं, and liquidity crunch आ रहा है. Banks के पास पैसे की कमी हो रही है. पैसे की कमी अगर banks के पास होगी तो लोगों को वो loan ज्यादा नहीं दे पाएगी. Secondly, वो banks जो है loan ज्यादा देना भी नहीं चाहेंगे अगर NPAs ज्यादा हो रहे. So we need a dual approach जहां पे bank का credit भी बढ़े and NPAs की growth भी हम उसे contain कर सकें.
भूलेगा नहीं कि आईएल एंड एफसी भी कुछ इस ऐसी ही सिचुएशन में फंसा था पिछले साल. दिस इज समथिंग जिससे हम अभी भी उभर के नहीं आ पाए हैं. एनबीएफसी सेक्टर अभी भी इसकी हीट को महसूस कर रहा है. व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, व्हाट वी नीड टू डू. सबसे पहली चीज, क्रेडिट ग्रोथ जो चाहिए हमें, अगर बैंकिंग सेक्टर की भी बात करें तो 15-20% होनी चाहिए सारे के सारे स्पेस में, चाहे वो बैंक की बात हो, चाहे वो एनबीएफसी की बात हो, चाहे वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की भी बात हो. हर जगह पे क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए. तो उससे फायदा क्या होगा, ये क्रेडिट अल्टीमेटली ना सिर्फ गवर्नमेंट के पास बल्कि प्राइवेट सेक्टर के पास भी जाएगा जो इसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा. वॉट वी शुड नॉट इग्नोर इज दैट हमें क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग भी बढ़ानी है और कॉस्ट एफिशिएंसी भी अच्छी करनी है एज फार एज एंड वेयर एवर पॉसिबल. वी शुड नॉट लेट लूज सीजीटी, कैपिटल गेन्स टैक्स. हालांकि पिछले साल 2019 में जब स्टेप्स लिए गए थे तो सबसे पहली चीज ये की गई थी कि कैपिटल गेन्स टैक्स को थोड़ा रिलैक्स किया गया था. नाउ हालांकि इससे लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, बट हमने एक चीज नोटिस की है दैट प्राइवेट सेक्टर इज सेविंग मोर एज फार एज हाउसहोल्ड्स आर कंसर्न. सो वी नीड टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड इन व्हाटएवर मींस एंड वेज पॉसिबल. कारण क्या है, कारण ये है दैट इंडिया इज टर्निंग आउट टू बी मोर ऑफ अ कंजम्पशन बेस्ड रादर डिमांड बेस्ड इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ बीइंग अ प्रोडक्शन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी. सो इसके ऊपर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात भी करेंगे. द ओनस ऑन द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिनाइड विच इज टू पुश प्राइवेट सेक्टर टू स्पेंड मोर एंड रिवाइव कंजम्पशन. जैसा कि अभी बताया, ये गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी तरीके से कंजम्पशन के लेवल्स को इंडिया में बढ़ाए. एंड लास्टली व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्ट्रेटजाइज फिलोसोफिकली कि हम किस तरफ जा रहे हैं. अगेन द सेम थॉट, whether or not we need to think about production rather than consumption. अब हो क्या रहा है, ज्यादातर companies इंडिया में आ भी इस वजह से रही है, but because they are looking at India as a market, not as a place जहां पे आप manufacturing कर सकते हैं, जहां पे आप यहाँ के capital को, for example labor capital को, land को utilize कर सकते हैं. investment opportunities यहाँ पे इस वजह से भी हो रही है because more and more companies want their products in India, being sold in India. So ultimately, capital investments jo ho rahi hai, they are more focused in India because India is a market. Now, what India and India ke economists and India ke policy makers and policy framers need to think is philosophically ye sochna hoga, kya hum aise दौर में जा रहे हैं जहां पे इंडिया कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी हो रहा है, जहां चाइना के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो चाइना इज अ मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी. चाइना जो खुद डोमेस्टिकली अपनी कंपनीज के थ्रू प्रोड्यूस करता है, डेफिनेटली वो चाइना के अंदर कंज्यूम हो जाता है. बट अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट चाइना हैज यू नो फाउंडेड एंड बेस्ड इट्स ग्रोथ ऑन एक्सपोर्ट रिजीम. India has not done that. What we need is a re-strategizing situation जहाँ पे हम production को ज़्यादा अहमियत दें. तो अब बारी आती है questionnaire की, कौन बनेगा IAS, कौन बनेगा judge. Questions आज के सवाल ये रहे आपकी screens के ऊपर. Suggest measures to prevent demographic dividend from becoming a national burden. So इसमें वो सारी की सारी बातें आ जाती हैं जो आज हमने एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियो में सुनी लिखी. द प्रोसीजरल डिलेज एज वेल एज डोमिनेंस ऑफ अनवाइज मेन इज द रूट कॉज ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन. क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट. इसके बारे में भी हमने आज बात की है. इनफैक्ट आपको जो मैंने अपने दो शब्द दो सेंस दिए थे उसके ऊपर आप इस आंसर को लिख सकते हैं. 200 वर्ड्स का आंसर रहता है. दैट कैन बी मेड आउट ऑफ दोज एनालिसिस. Among BRICS nations, although India is a bright spot, but it has a long road ahead. Comment. So, इसकी भी बात आज हमने कर ली है. तो आज इस वीडियो में इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह. Make sure आप अपने comment sections में अपने answers लिखते रहें. आज के लिए इतना ही. Bye bye. Thank you. Good night.